ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और हैं। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उसकी चढ़ने और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सपने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है